बच्चों आप सब कैसे हैं और कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ, इसी तरह से आप सब मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। आप इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों, हमने पहले भाग में पढ़ा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ पर पिता है, माता है और उनकी पुत्री है। जो पुत्री है वह बहुत ही पढ़ी लिखी है, संगीत भी जानती है और वाद्य यंत्र बजाना भी जानती है। उस पुत्री को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, यानी कि लड़का और लड़के के पिता उस पुत्री को देखने के लिए आ रहे होते हैं। तो पूरा परिवार उन लोगों की स्वागत की तैयारियां कर रहा होता है। वे कैसे भी करके यह संबंध पक्का करना चाहते हैं। उनकी पुत्री जो कि पढ़ी लिखी है, शालीन है, उसके लिए भी माँ बाप चाहते हैं कि इसको तैयार कर दिया जाए, जिससे कि लड़के वालों को यह पसंद आ जाए। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि आगे इस एकांकी में क्या होता है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। अब लड़के वाले आ गए हैं, यानी कि लड़का और उनके पिताजी आ गए हैं। तो रामस्वरूप जो कि पुत्री के पिता हैं, वे हंस करके उनका स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं इधर आइए। बाबू गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं, बैठते हैं, मगर बैंत गिर जाती है। उनके हाथ में बैंत होती है और वह बैंत नीचे गिर जाती है। रामस्वरूप, यह बैंत लाइए मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। रामस्वरूप जी जो कि पुत्री के पिता हैं, वे उनके सामने इतने दयनीय बने हुए हैं कि उनकी बैंत गिर जाती है तो उस बैंत को उठाकर भी अपने हाथों से रख देते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई हमारा मकान ढूंढने में? गोपाल प्रसाद खंखार कर, यानी अपना गला साफ करके, नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। वे कहते हैं तांगे वाले को आपका रास्ता पता था। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, वह बार बार हंस रहे हैं क्योंकि वह उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यों कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। क्या हमने आपको परेशान कर दिया? जो लड़के के पिता हैं गोपाल प्रसाद हैं, वे बड़े अनुभवी और बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं। रामस्वरूप, हैं हैं हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। अरे आप तो मेरे ऊपर बहुत ही कृपा कर रहे हैं, हम तो आपके हैं 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 सेवक ही हैं, हैं हैं हैं। वे बार बार हंस रहे हैं, यानी कि उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, लड़के की तरफ देख करके कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? कितने दिनों की आपके मेडिकल कॉलेज की छुट्टियाँ हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, मैं तो वीकेंड पर, यानी कि सप्ताह की समाप्ति पर घर चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप जी पूछते हैं, आपका कोर्स तो अब साल भर का बचा है, केवल साल भर में आप डॉक्टरी पास हो जाएंगे। शंकर जी, यही कोई साल दो साल, जी यही कोई साल या दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इसका क्या मतलब है? शंकर, हाँ 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 जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, कि मैं एक आध साल की गुंजाइश रखता हूँ कि एक आध साल अधिक भी लग सकता है। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कि वह एक साल बीमार हो गया था और इसलिए परीक्षा में फेल हो गया था, नहीं तो वह एक साल में ही डॉक्टर बन जाता। लेकिन क्योंकि वह बीच में फेल हो चुका है, इसलिए अभी उसे दो तीन साल और लग सकते हैं। क्या बताएं, इन लोगों के इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, यहां पर वे उस बात को ढकने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे एक साल ये बीमार हो गया था, क्योंकि आजकल के लड़के तो बहुत ही कमजोर होते हैं, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही वैसी भूख।
रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। क्या वह जमाना कितना सस्ता था कि एक पैसे में दो कचौड़ियाँ आ जाती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि चार पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, कि चार पैसे में बहुत सारी खाने की सामग्री आ जाती थी, बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती थी और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी। और मैं तो अकेले ही दो आने की मिठाई खा जाता था और उसको हजम भी कर जाता था, उसको पचा भी लेता था अकेले। और अब बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, और अब तो लड़के अलग अलग तरह के खेल भी देखते हैं, खेल भी खेलते हैं। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है, कि उस समय हमें तो इतनी सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी हम हृष्ट पुष्ट थे, हम मजबूत थे, हम कमज़ोर नहीं थे। शंकर और राम स्वरूप खी से निपोड़ते हैं। खी से निपोड़ने का अर्थ आप जानते हैं, हंसना, बेशर्मी से हंसना। तो यहाँ पर इस बात पर शंकर यानी कि लड़का और राम स्वरूप यानी कि बेटी का पिता इस बात पर हंसते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, हाँ हाँ, वह बीच बीच में हंस रहे हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, एकदम से उनकी आवाज़ में जोश भर जाता है। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। तो हम तो इस तरह से पढ़ाई किया करते थे कि एक बार कुर्सी पर बैठते थे और 12 घंटे तक एक सिटिंग में बैठ करके पढ़ा करते थे, यानी कि लगातार 12 घंटे तक एक ही कुर्सी पर बैठे रहते थे और पढ़ते रहते थे 12 घंटे। जनाब मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था, फर्राटी की आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस समय का जो 10वीं पास होता था वह भी आजकल के एमए का मुकाबला, उसके बराबर का मुकाबला नहीं कर सकता। जो 10वीं पास होता था उसकी अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी होती थी कि आज के ज़माने का जो एमए पास व्यक्ति है उसकी अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। राम स्वरूप, जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, अपने पर नियंत्रण करना। जब्त करने का अर्थ होता है नियंत्रण करना, कि अपने भावों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने ज़माने की बात करते हैं, जब हम जवान हुआ करते थे तब तो माहौल ही कुछ अलग होता था। राम स्वरूप, हाँ 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 जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हाँ हाँ हाँ। शंकर भी ही करता है, यानी कि इस बात पर शंकर भी हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो जनाब बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं, वे कहते हैं चलिए अब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस को हम कहते हैं व्यवसाय, के अब कुछ व्यावसायिक बात हो जाए, हम जिस काम के लिए आए हैं उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिज समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं और वे नाश्ता लाने के लिए उठ खड़े होते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, इन सब की क्या जरूरत थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का, परेशानी किस बात की, हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, यह तो मेरे बड़े भाग्य है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं, वे अंदर क्यों गए, वे अंदर नाश्ता लाने के लिए गए। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में यानी कि धीरे धीरे अपने बेटे से क्या कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। वे कहते हैं आदमी तो सज्जन है और हैसियत भी इसकी ख़राब नहीं है, यानी पैसे वाला भी ठीक ठाक है, अब देख लेते हैं कि इनकी जो बेटी है वह देखने में कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैक बोन।
तो वे कहते हैं कि इस तरह से नीचे की तरफ झुक कर के क्यों बैठे हो, इस कमर को अपनी को सीधी करके बैठो। तुम लड़की देखने आए हो, यहाँ अपना ब्याह पक्का करने आए हो और बैठे हो कमर को झुका करके। तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन, बैकबोन क्या होती है, बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी। तो शंकर की रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी और इस बात को शंकर और उसके पिता जानते थे, लेकिन वे अपनी कमी को नज़रअंदाज करके लड़की सर्वगुण संपन्न चाहते थे, यही इस पाठ में बताया गया है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, उनकी बात अधूरी रह जाती है और बाबू राम स्वरूप हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आते हैं, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, अरे आप तो माने ही नहीं, इतनी तकलीफ क्यों की आपने। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, मेरे कप में आधा दूध और आधी चाय डालिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका कैसा रहेगा, तो चाय में कैसा स्वाद आएगा। रामस्वरूप, हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। वे कहते हैं कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों से टैक्स लेगी, यानी कि कर लेने वाली है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, कि अगर आमदनी बढ़ानी है, आय बढ़ानी है, तो सरकार को केवल एक ही टैक्स या कर लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स, यानी कि सुंदरता के ऊपर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, यह बात मजाक में कही गई है कि सुंदरता पर टैक्स लगाना चाहिए, इस पर वे दोनों हंस जाते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा सुंदर है वह ज़्यादा टैक्स शौक से देगा, क्योंकि हर किसी को सुंदर दिखने का शौक होता है। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। तो हर स्त्री, क्योंकि स्त्रियां खूबसूरत दिखना चाहती हैं, खूबसूरत होना चाहती हैं, तो हर स्त्री के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के अनुसार अपने ऊपर टैक्स स्वयं ही निर्धारित कर ले, वह स्वयं ही यह निर्णय ले कि उसे कितना टैक्स देना चाहिए। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है, क्योंकि हर महिला अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती है, तो वह उसी अनुसार खूब सारा टैक्स देगी और इस तरह से सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी, यह बात मजाक में कही जा रही है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, यह भी अजीब सवाल है, हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, शंकर की तरफ ध्यान देते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में, आप मेरी राय किस मामले में चाहते हैं। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा होना चाहिए, कि क्या शादी तय करते समय खूबसूरती को देखना चाहिए, सुंदरता को देखना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। वे कह रहे हैं साहब हमें लड़की तो खूबसूरत यानी कि सुंदर ही चाहिए और उसका सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही सुंदर हो, चाहे वह सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करें, पर वह दिखने में खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है कि आपकी लड़की सुंदर तो है ना, हमें तो सुंदर लड़की ही चाहिए, क्योंकि घर की महिलाएं सुंदर बहू ही चाहती हैं।
रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। जी हाँ, अभी आप मेरी पुत्री को देख ही लेंगे। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए कि अब लड़की देखना तो एक रस्म ही रह गया है, यह तो एक मामूली सी बात रह गई है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचाम यानी कि जन्म पत्र, जन्म पत्री कुंडली विवाह से पहले मिलाते हैं लोग, तो मिल ही गया होगा कि वह तो आपस में मिला ली है ना। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया यानी कि ईश्वर के समक्ष रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, वह तो अपने आप ही मिल जाता है। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना, लेकिन मेरे कानों में एक बात पड़ी है, यह बात सही तो नहीं है। रामस्वरूप जी चौंक जाते हैं, क्या चौंक करके वे सोचते हैं कि इनके कानों में क्या बात पड़ गई। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर। तो यहाँ पर असली बात सामने आती है कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, वे एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो बिल्कुल भोली वाली हो, बिल्कुल गाय जैसी हो, बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, जिससे कि वह घर में रह करके सिर्फ घर के काम करते रहे। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं, कि हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है, फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए, भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। तो ये लोग समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा केवल नौकरी कराने में ही मिलता है, लेकिन नौकरी करना और कराना इनके अलावा भी शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा से व्यक्ति को अपने जीवन के सही निर्णय लेने का अवसर मिलता है, सही निर्णय लेने की दृष्टि प्राप्त होती है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी, तब तो घर चल चुका। कि इन आदमी के काम होते हैं कि वह बाहर जाए, पढ़ाई करे, नौकरी करे और पैसा कमा के लाए, अगर औरतें भी वही सब करने लगेंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी यानी कि घर कैसे चलेगा। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो यहाँ पर वे स्त्री पुरुषों की तुलना करने के लिए किनके उदाहरण दे रहे हैं, जीव जंतुओं के उदाहरण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, दोनों का स्वभाव अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, तो उसके अनुसार पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का हक है परंतु स्त्रियों को नहीं, स्त्रियों को अपना मन घर के कामों में ही लगाना चाहिए। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो हंस करके रामस्वरूप भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। देखिए बच्चों, हमने पाठ के प्रारंभ में ही यह बात पढ़ ली थी कि जो रामस्वरूप हैं वे शिक्षा को बहुत अच्छा मानते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा दी है, लेकिन यहाँ पर वे अपनी पुत्री का विवाह डॉक्टरी में पढ़ने वाले लड़के से करना चाहते हैं और इसलिए लड़के वालों की हर बात को स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे शिक्षा की बुराई कर रहे हैं, वे कह रहे हैं स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो उसकी भी वे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो हम देखते हैं बच्चों की पुत्री के माता पिता कई बार अपने आप को कितना लाचार अनुभव करते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद गंभीर रहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में यह बात बहुत ही गंभीर है। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ऊंची तालीम यानी कि ऊंची शिक्षा भी केवल पुरुषों के लिए ही है। रामस्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप।
गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन, क्योंकि मक्खन ये अभी तक लेकर के नहीं आया था, इनका जो नौकर था रतन वह लेने गया हुआ है, मक्खन नहीं आया है, इसलिए ये टोस्ट भी उनके सामने पेश नहीं कर सके। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ, फिर वो उन दोनों से पूछते हैं आपके लिए सिगरेट भी मंगवाऊँ अगर आप सिगरेट पीना पसंद करें तो। गोपाल प्रसाद, जी नहीं, पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, उसने बहुत ही सादा साधारण कपड़े पहने हुए हैं, गर्दन झुकी हुई, और उसकी गर्दन झुकी हुई है, सिर उसका झुका हुआ है। बापू, गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। बापू, गोपाल प्रसाद तो बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, और शंकर बिल्कुल छिपी हुई आंखों से उसकी तरफ ताक रहा है, यानी देख रहा है। रामस्वरूप, हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो, लाओ बेटी पान मुझे दो, जिससे मैं इनके आगे पान रख सकूं। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा देखता है। उसका चेहरा ऊपर उठता है तो उसने आंखों पर जो चश्मा लगा रखा होता है वह चश्मा दिखाई दे जाता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, उस चश्मे को देख कर ही दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं। गोपाल और शंकर एक साथ चश्मा, रामस्वरूप जरा सख पकाकर, जरा सा घबराकर, जैसे कि किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो वह घबरा जाता है ना, उसे कहते हैं सख पकाना। जी वह तो वह, पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अरे वह तो क्या, इसकी आंखों में आई फ्लू हो गया था, बीमारी हो गई थी, इसलिए पिछले महीने से इसको चश्मा लगाना पड़ रहा है, वैसे ये चश्मा नहीं लगाती है। तो देखिए बच्चों, कई बार माँ बाप को अपनी पुत्री के विवाह के लिए इस तरह से झूठ भी बोलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, नहीं, मैंने तो आपको बताया ही कि हमारी पुत्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा, अपने जो बाजे रखे हैं, जो वाद्य यंत्र रखे हैं, उनके पास ही बैठ जाओ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं। अब देखिए बच्चों, यह है उस लड़की की चाल ढाल, रंग रूप, ऊंचाई, सब कुछ देख रहे हैं, बहुत ही तीव्र नज़रों से उस लड़की का निरीक्षण किया जा रहा है। चेहरे पर भी छवि है, यानी कि चेहरा भी सुंदर है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, कुछ गाना वाना जानती हो? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, जिसने सितार भी सीखा है और बाजा भी सीखा है। सुनाओ तो उमा एकाद गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह मीराबाई का एक मशहूर भजन है, इसे वह गाती है, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, स्वर से पता चलता है कि उसे गाने का बहुत अच्छा ज्ञान है, यानी कि वह बहुत अच्छा गाना गाती है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, तल्लीनता यानी कि एकाग्रता, वह गाने में डूब जाती है और उसके स्वर में एकाग्रता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, कि उसका सिर ऊपर उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं। शंकर जो बैठा बैठा झेप रहा होता है, शर्मिंदा हो रहा होता है, उसकी आंखों से उमा की आंखें मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। उसे देख करके वह एकदम से चौंक जाती है और गाते गाते रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को तो पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। लेकिन गोपाल प्रसाद कहते हैं, बेटी अभी रुको। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है।
गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, क्या तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है, कोई उत्तर नहीं देती। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्तों वाली, इसी ने खींची है, यानी कि इसी ने पेंटिंग से बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, क्या तुम्हें सिलाई वगैरह भी आती है? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी, हाँ 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 मेरी कमीज़ें भी यही सिलती है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं, तुम्हें कुछ इनाम विनाम भी मिले हैं? उमा चुप, उमा अब भी चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, रामस्वरूप जो उसके पिता हैं वो इशारा करते हैं, खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, लेकिन उमा उसके बाद भी चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए और गर्दन झुका करके बैठी हुई है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, वो बेचैन हो उठते हैं, और रामस्वरूप सक पकाते हैं, और रामस्वरूप घबराते हैं कि ये बच्ची बोल क्यों नहीं रही है हमारी। रामस्वरूप, जवाब दो उमा, गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। वे कहते हैं, अरे ये शर्मा रही है, इनाम तो इसने बहुत सारे जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, गोपाल प्रसाद को थोड़ा क्रोध आ रहा है, क्योंकि वह प्रश्न कर रहा है पर उमा कोई भी उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए वह रूखी आवाज़ में कहता है, जरा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए, कि मुँह खोल कर कुछ तो इसे बोलना चाहिए, क्योंकि वह यह देखना चाहता है कि उमा ठीक से बोल सकती है या नहीं, उसके बोलने में कहीं कोई ऐब या कोई कमी तो नहीं है। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब रामस्वरूप परेशान है, वे अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी जवाब दो, देखो ये क्या कह रहे हैं। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में अब जा कर के उमा बोलना प्रारंभ करती है, वह हल्की धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, बाबूजी मैं क्या उत्तर दूं, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। यहाँ पर उमा कह रही है कि मेरी स्थिति तो कुर्सी मेज के जैसी है, जिस तरह से खरीदार कुर्सी मेज को देखता है, पसंद आने पर खरीदता है, नहीं तो छोड़ देता है, उसी तरह से तो मुझे इन्हें दिखाया जा रहा है, अगर इन्हें मैं पसंद आ जाऊंगी तो मेरा विवाह हो जाएगा इनके लड़के से, नहीं तो ये मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, रामस्वरूप को बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं होती कि उमा इस तरह का उत्तर देगी, वे एकदम से चौंक करके खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, ये जो मेरे खरीदार बनकर के आए हैं, जो मुझे देख करके पसंद करने के लिए आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, कि क्या आप ही पसंद करना चाहते हैं, क्या लड़कियों के हृदय नहीं होता है, क्या उनके चोट नहीं लगती जब आप उन्हें नापसंद कर जाते हैं, जब आप उनसे उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं तो क्या उनको दुख नहीं होता, क्या को चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं, क्या वे लड़कियां ना होकर के बेबस यानी लाचार भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, यहां पर वह वाक्य को अधूरा छोड़ देती है, लेकिन स्पष्ट हो जाता है कि वह यह बताना चाह रही है कि पुत्रियों की स्थिति या लड़कियों की स्थिति और भेड़ बकरियों की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर यानी कि क्रोधित होकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, क्या आप मेरी इज्जत का यहाँ पर खराब करना चाहते हैं, इसके लिए आपने मुझे बुलाया है? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। अब उमा तेज आवाज में कहती है, और आपकी तो बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है जो आप इतनी देर से पूरी देखभाल कर रहे हैं, पूरा मोल तोल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं घर कैसा है, लोग कैसे हैं, लड़की सुंदर है या नहीं, गोरी है काली है लंबी है नाटी है और गीत गाती है या नहीं गाती, यह सब जो आप हमारी देखभाल कर रहे हैं, जो आप हमारी पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या हमारा उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता?
और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अपने इस पुत्र से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द यानी कि आस पास क्यों घूम रहे थे, इनका वहाँ क्या काम था और वहाँ से कैसे भगाए गए थे और इन्हें किस तरह से बेइज्जत करके वहाँ से भगाया गया था। शंकर: बाबूजी चलिए। अब शंकर डर जाता है क्योंकि शंकर की पोल पट्टी खुल रही होती है, उसने जो गलत काम किए होते हैं वे सारे सामने आने वाले होते हैं। गोपाल प्रसाद: लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप है। तो वह कहते हैं: तुम्हें लड़कियों के हॉस्टल का कैसे पता, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा: जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि पढ़ना कोई पाप करना नहीं होता, कोई चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है, ना ही आपके पुत्र की तरह मैंने इधर उधर ताक झांक की है। आपका पुत्र जैसे काम करता है और आप लड़कियों का शिक्षा पाना भी गलत समझते हैं। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, मुझे अपनी स्वयं की इज्जत अपने सम्मान का अपने माता पिता के सम्मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। लेकिन आप अपने पुत्र से तो पूछिए कि किस तरह से हॉस्टल में ये नौकरानी के पैर पड़े थे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपना मुंह छुपा करके डर करके भागे थे। रामस्वरूप: उमा उमा। रामस्वरूप उमा को रोकते हैं कि उमा चुप रहो। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में: बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपने मुझे धोखा दिया है, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, आपकी लड़की बीए तक पढ़ी है लेकिन आपने मुझसे क्या कहा था, केवल मैट्रिक यानी दसवीं तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, लाइए मुझे मेरी छड़ी दीजिए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। मैं चलता हूँ, बैंत ढूंढ कर उठाते हैं, वे चलने को तैयार हो जाते हैं। बीए पास, ओफो गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटो चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो वे कहते हैं: भाई कितने झूठे हैं ये लोग, लड़की तो बीए पास है और हमें केवल दसवीं पास बताया था, अगर इस लड़की का हम विवाह अपने बेटे से कर देते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, यह तो बहुत ही झूठे लोग हैं। वह उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। अब उमा कहती है: देखिए बच्चों, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाड़ले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, तो आपके बेटा जो है, जो कि झुक कर के बैठा हुआ है, जिसकी कमर सीधी नहीं है, क्या इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बच्चों, रीढ़ की हड्डी एक मुहावरे में भी प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होता, अपने निर्णय स्वयं नहीं कर पाता, उसके लिए कहा जाता है कि इसके रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि यह बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, यह अपने निर्णय स्वयं नहीं कर पाता है, यानी बैकबोन। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन भी कहा जाता है, बैकबोन। बापू, गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। अब बाबू गोपाल प्रसाद, जो कि अभी तक बहुत चालाक बन रहे थे, बहुत अनुभवी बन रहे थे, उनके चेहरे पर बेबसी का गुस्सा आता है, यानी कि वे कुछ भी नहीं बोल पाते, उनको पता है कि उनके बेटे के रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, और उनके लड़के के रुलासापन, और उनका जो लड़का है वे बिल्कुल रुआसा हो गया है, उसके चेहरे पर रुलाई आ गई है क्योंकि उसकी बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती हुई है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा: उमा उमा, रो रही है? अरे उमा क्यों रो रही हो? यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। इतनी ही देर में रतन आ जाता है। रतन: बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, हमने यह एकांकी समाप्त कर लिया है, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्या आपको उमा का निर्णय सही लगा? क्या उसे यही करना चाहिए था, या फिर चुपचाप सीधी साधी लड़की बन करके बैठे रहना चाहिए था और झूठ बोल कर भी उस लड़के से विवाह कर लेना चाहिए था? आप सोच करके देखिए कि अगर आप उमा के स्थान पर होते तो आप क्या करते। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।